तो गाइस, क्या आपने घोड़े को सेंड बात करते हुए देखा है? नहीं तो चलो दिखाती हूँ इस वीडियो में। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ सुवर्ण सिंह और आप देख रहे हो सुवर्ण सिंह गैलरी। तो गाइस, आज मैं आपको ले चलूंगी बनस्थली के एक ऐसे जगह पे जहाँ पे नॉर्मली कोई नहीं जाता, वहाँ पे अलाउड ही नहीं किसी को जाने का, लेकिन मैं आपको ले चलूंगी वहाँ पे। वो है हमारा स्टेबल जहाँ पे हॉर्स रहते हैं। तो आज मैं आपको स्टेबल है वो दिखाऊंगी बनस्थली की, और वहाँ पे आपको दिखाऊंगी कि हॉर्स कैसे रहते हैं, कितने सारे हॉर्स हैं और वो सेंड बात कैसे करते हैं। बट इससे पहले मैं जा रही हूँ परेड में, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, कुछ इस तरह का मेरा यूनिफॉर्म है। तो गाइस, अभी हम ग्राउंड जा रहे हैं। आप पीछे देख सकते हो कि ग्राउंड है पीछे, और हम जा रहे हैं परेड के लिए। वहीं पे घोड़े पे चढ़ेंगे और फिर वहां से जाएंगे लक्ष्मीमय मैदान, तो फिर वीरवाला जा रहे हैं हम। तो हम ग्राउंड के पास आ चुके हैं, पीछे हमारा ग्राउंड दिख रहा है और हम रेडी हो रहे हैं। कुछ बच्चे रेडी नहीं हुए थे, वो रेडी हो रहे हैं अभी, देख सकते हो आप। मैं रेडी होके ही आई थी, घोड़े तैयार हो गए, आ चुके हैं। घास चढ़ने दो इसको। तो अभी ग्राउंड में कुछ घोड़े तैयार होके आ गए हैं, कुछ आ रहे हैं, और फिर हम यहाँ पे रेडी होके फिर जाएंगे विदला मैदान, फिर वहाँ पे परेड करेंगे, फिर वहाँ से जाएंगे हम स्टेबल। बट आप इस वीडियो में एंड तक बने रहना, आपको बहुत मजा आएगा। आप देखोगे नई नई चीजें हॉर्स के बारे में जो आपने कहीं और नहीं देखा होगा। तो आप प्लीज वीडियो में रहना, एंड प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, इस घोड़ी का नाम है सुहानी, और ये है मेरा घोड़ा रफ्तार, जो बहुत रफ्तार में भागता है और मुझे कई बार गिरा भी चुका है। तो अब हम रेडी होकर जाएंगे घोड़े पे बैठ के लक्ष्मीमय मैदान परेड के लिए, फिर वहां से आएंगे, फिर स्टेबल चलेंगे। तो अभी मैं लक्ष्मीमय मैदान आ चुकी हूँ, और आप देख सकते हो कि ये हमारा ग्राउंड है जहाँ पे परेड होगा। तो गाइस, परेड की वीडियो मेरे पास नहीं है, लेकिन अभी परेड हो चुका है, तो अब हम जाएंगे स्टेबल। तो फाइनली वो टाइम आ गया जब हम स्टेबल जाएंगे। तो गाइस, अभी हम हैं बनस्थली के स्टेबल में, और आप देख सकते हैं स्टेबल का आगे का एरिया है जहाँ पे घोड़े रेडी हो रहे हैं सेंड बाथ के लिए। तो उनके सैडल उतारे जा रहे हैं और उनको सेंड बाथ के लिए अब लाया जाएगा। देखो वो सेंड बाथ कर रहा है पीछे। ए, उसको सीटी मार आ जाएगी नीचे। ढीला छोड़, धीरे धीरे ढीला छोड़ दे, आ जाएगी। तो आप देख सकते हो घोड़े सेंड बात करना स्टार्ट कर दिए हैं और वो बहुत मजे कर रहे हैं। और ये खुद ही आ गया, ये तो खुद ही करने को। हाँ, हो गया ना, चलो ये फटाफट करो बेटा, आइसक्रीम दे रही है। एकदम बढ़िया। ये कौन है? अर्जुन। अर्जुन है? हाय, चलिए गुड मॉर्निंग। चलो क्या रुक जा रुक जा। शिवानी मेरी भी देखो, शिवानी ब्लॉग बनाने के लिए आ गई है स्टेबल। हम स्टेबल आ चुके हैं देखो, और घोड़े संवाद कर रहे हैं और हम इधर खड़े होके संवाद उनका देख रहे हैं, क्योंकि हमारे घोड़े को हमने करवा दिया है संवाद। तो गाइस, आपने देखा घोड़े कितने मस्ती में संवाद कर रहे थे, उनको भी मजा आ रहा था और हमें भी देख के बहुत मजा आ रहा था, वो बहुत ज्यादा लोटपोट हो रहे थे। तो अभी चलते हैं हम अंदर स्टेबल के,
अभी तो हम बाहर खड़े थे, अभी हम चलते हैं अंदर। तो गाइस इधर हम पहले भी आए थे, तो अगर वो वाले ब्लॉग नहीं देखा तो देखना। ये है स्टोर रूम जहाँ पे सब सामान रहता है, ये देखो घोड़ का। और ये है रोशनी का रूम, और उसका ये है रोशनी, और ये है बादशाह, घोड़ों का बादशाह। ये है बादशाह 2004 का बादशाह। ये है गजल का रूम, है गजल। ये है रजनी का रूम, ये है मनपसंद का रूम। ये है नहीं, ये है चेंज कर दिया मनपसंद को, मनपसंद दे रही। और वो है चमेली का, शिव प्रताप जो नहा रहा है। ये है चमेली, रुक्मणी, रफ्तार, मेरा रफ्तू, इसी पे मैं बैठी थी। ये है कुमुदनी, बिट्टू, बाईसा, गड़गोड़, गनगोर। ये है नूर, नहीं सॉरी बिट्टू, ये है नूर, हाय। ये है घनघोर, वो है शक्ति, ये है तूफान, तूफान तेज, मणि, गजल, रंजीत, गौरव, गौरव इसका नेम प्लेट नहीं है, अहिल्या, चांद, सुवराज। तो गाइस इस टेबल में बहुत सारे घोड़े हैं, तो सबको दिखाना इम्पॉसिबल है, बट मैंने फिर भी ट्राई किया है सबको कैप्चर करने का, बट सबका नाम नहीं पता मुझे। जितने पे बोर्ड पे लिखा है उनका ही नाम बता सकती हूँ, बाकी का नहीं बता सकती। तो हम हैं इस टेबल के अंदर वाले रूम में जहाँ पे घोड़े हैं, और ये देखो खाए करो। चलो इधर आओ, कुछ नहीं है। तो इधर भी रूम बने हुए हैं, बट अभी घोड़े नहीं हैं इसमें। अरे मतलब ये तो अजीब सा घोड़ा दिख रहा है गाइस, ये है खच्चर, अलग सा ही दिख रहा है ये तो। ये हम मेन गेट से फिर से निकल रहे हैं, चल इधर चलते हैं। ये देख वो घोड़ा बंधा हुआ है। ये है इस टेबल का आंगन बीच का, तो अभी हम इधर जा रहे हैं इसके अंदर। तो आपको हम दूसरे साइड का घोड़े का रहने वाला दिखा रहे हैं रूम, अभी हम दूसरे साइड का दिखाए थे उस साइड वाला, अभी हम इधर आ गए हैं, देख सकते हो। तो हम अभी आगे से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर उधर जाएंगे। ये है गुलमोहर, गुलमोर है। ये है रेशमा, जिनका रूम खाली है क्योंकि वो बाहर सनबात कर रहा है। इधर भी घोड़ा, और ये है भोलू जो बिल्कुल भी भोला नहीं है, है ना भोलू, तो भोला नहीं है ना। ये है संगम, इसका नेम प्लेट नहीं लगा है। ये दो घोड़े साथ में। ये है जो हुक्म, ये है जो हुक्म, ये है रिमीम, रिमझिम, वो स्पेलिंग गलती से लिखा है सॉरी। ये है सुहानी, सुहानी जो 13 में पैदा हुई थी, सुहानी सॉरी, ये है सुहानी जो 2003 में पैदा हुई थी। और ये है सुहानी का रूम। ये है पवन, अरे पवन नहा लिया, पवन तूने नहा लिया, पवन नहा लिया, हाय पवन। चेतक का रूम है, बट चेतक नहीं है क्योंकि उसका डेथ हो गया लास्ट बार ला, और ये पता नहीं कौन है अभी। ये है गौरी, ये है युवराज, हाय युवराज, हाय। तो ये युवराज देखो कैसे कर रहा है, युवराज हाय, हाय कर रहा है युवराज। तो गाइस ये है अमरपाली, इसका नेम प्लेट नहीं लगा है। ये है साहिबा, साहिबा है अच्छा।
ये है साहिबा और ये है मोहतरमा। साहिबा मोहतरमा आगे हैं। ये है वीर। हाय वीर। और ये है शिवराज। शिवराज और ये इसका नाम प्लेट नहीं है। ये है बख्तावर। सनबाथ करने के बाद नहा चुका ये। बिजली बिजली अरे मेरी बिजली। ये है सूर्या का। ये है सूर्या। ये है महाराजा जो नहा के आ गया। हाय महाराजा। बेचारे नहाने के बाद सांवले से दिख रहे हैं। ये है सेडल रूम। हम फिर से बाहर आ गए। तो अभी हमें मिला है हमारा रिफ्रेशमेंट, जो कि सबसे अच्छा मोमेंट होता है हमारे लिए जब कुछ भी ऐसा मिलता है, तो क्योंकि हम खाने में कहाँ पीछे हैं। अभी हम स्टेयर्स पे बैठ के खाएंगे और फिर यहाँ से जाएंगे। तो अब हम इस टेबल से निकल के अपने अपने हॉस्टल के लिए जा रहे हैं। तो सभी साथ में जा रहे हैं और पैदल जा रहे हैं जंगलों की तरफ। आए तो घोड़े पे, लेकिन अब पैदल हम जाएंगे। तो यहाँ पे इस रास्ते में हमें पूरा राजस्थान का रेगिस्तान मिलता है और पता चलता है कि हम अभी राजस्थान में हैं। देखो जीजी हमारे साथ जा रही हैं। मैम हमारे साथ जा रही हैं। हॉर्स वाली ये हमारी हॉर्स वाली मैम। मैं चेंज कर रही हूं बाद में। हॉर्स वाली मैम ये सेवा हमारा छूट गया उधर। ये हम जा रहे हैं। तो गाइस हम जा ही रहे हैं मजे करते करते रास्ते में जंगल के साथ। सो गाइस अभी हम अस्तबल से आपको सीधा लेकर आए हैं गौशाला। तो ये है गौशाला और ये है डिपार्टमेंट्स। पहले ये स्टेबल था, अब इसको गौशाला बना दिया गया है। तो गाइस अभी हम स्टेबल के बाहर आ चुके हैं बिल्कुल, और कॉलेज की तरफ आ चुके हैं, और अब हम जाएंगे अपने हॉस्टल। तो ये हैं डिपार्टमेंट्स। पसीने से तार तार हो चुके हैं हम पूरा स्टेबल से आने। ये क्या कर रही है बाप? ये देखो। अरे भाई मनसी मुझे तो छोड़ दे, हम ही परेशान हैं। तितलियां मार रही है। मनसी बच्ची हो गई है। छोटी बच्ची हो क्या? तो परेड के बाद हम जा रहे हैं डिपार्टमेंट की तरफ से अपने हॉस्टल, और हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं। हाँ यार स्टेबल पे जाना बस काफी मस्ती वाला टाइम, बिकॉज हम लोग साल में खाली एक या दो बार जा पाते हैं। हाँ एक बार ना काफी अच्छा था। सामने से देखो ये हमारी लीडर थी। दिखाओ लीडर। शर्ट निकाल दी। ये जो आ रही है ना पूरी कोट में, यही थी लीडर। हाय बोलो। हाय बोलो। हाय हाय। भाई रतन मंदिर कब खुलेगा? रतन मंदिर, रतन मंदिर तो नया सा बनाया देखो। इट्स वेरी प्रिटी वैसे तो, पर खुलने का भी तो यार, खुलने वाला तो था कि शायद खुला तो था एक दिन शायद। अरे नहीं नहीं वो सच वैसे नहीं खुला था। मे भी शायद बंद। देखो हमारा हॉर्स राइडिंग ग्राउंड आने वाला है। आने वाला है। आने वाला है। आने वाला है शिवानी। ये है सूर्य मंदिर। ये दिखाओ पहले। ये हमारे किसी काम नहीं आ पाया अनफॉर्चुनेट। रुक जाना देखो ये था। ये यहाँ पे लगाने के लिए था, पर इसका ना हम लोगों ने अलग ही यूज करा था। पर वो मैं नहीं करके दिखाऊंगी अगर लग रहा हो तो। आगे हमारा हॉर्स राइडिंग ग्राउंड है, बीरबाला ग्राउंड, जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो ये है हमारा हॉर्स राइडिंग ग्राउंड, और इधर से ही हम स्टेबल गए थे पीछे वाले रास्ते से। यहाँ से कितना खाली लग गया। और ये सारे जंप वाले टूल्स रखे हुए हैं। और इसी ग्राउंड के पीछे है एविएशन वाला हैंगर, और उसके जस्ट पीछे है क्या है उसके उस तरफ तो क्रिकेट ग्राउंड है। हाँ क्रिकेट ग्राउंड है, और इस तरफ बॉयज स्कूल है। हाँ उधर। तो गॉयस एक यही तो है जो मेरी फोटो अच्छे से क्लिक करती है, और डिमांड भी नहीं करती है कि मेरी फोटो क्लिक करो। नहीं तो बाकी किसी एक फोटो क्लिक करवाओ तो दो डिमांड करते हैं भाई दस। मुझे शौक नहीं है फोटोज का। ओके बहुत अच्छी बात है। देखो हमारा कृतिका इंतजार कर रही है, बहुत अच्छी बच्ची है। तो गाइस ये है कृतिका जो हमारा इंतजार कर रही थी, सबसे अच्छी प्यारी सी हमारी जूनियर है। सो गाइस हम ग्राउंड से निकल चुके हैं, अब हम हॉस्टल पहुंच जाएंगे थके हारे, फिर खाना खाएंगे और सो जाएंगे। भाई असाइनमेंट कौन बनाएगा? असाइनमेंट तो मेरा कंप्लीट हो चुका है, बस दो का बाकी है, तो वो हम कर लेंगे, एक ग्रुप का और एक इंडिविजुअल। तो कंटेंट तो मैंने ढूंढ लिया है और मैं बना लूंगी पीपीटी में। तो गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ अपने हॉस्टल, और आप देख सकते हो कि मैं कैसे पड़ गई हूँ बेड पे, एकदम थक चुकी हूँ मैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।